दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन स्कॉलरशिप, जी हाँ, कि इंडिया में स्कॉलरशिप किस तरीके से ले सकते हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, और कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, और कौन सी मिनिस्ट्री है जो ये प्रोवाइड करती है। और इस वीडियो के एंड तक मैंने कम्प्लीट डिटेल किया है। मैंने जब सर्च किया इसके ऊपर तो यार कुछ मिला ही नहीं मुझे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग एजुकेशन वीडियो डालते हैं मुझसे पहले, लेकिन आज तक किसी ने स्कॉलरशिप पे कंप्लीट डिटेल कोई वीडियो नहीं बनाई। पता नहीं क्यों, जरूरी नहीं कि जो चीजें ट्रेंडिंग में हो वही हम अपलोड करें यार, बहुत सी चीजें हमें अपलोड ऐसी भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल की है स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग, तो आप बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशन वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश, स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके से स्कॉलरशिप दी जाती है। गवर्नमेंट का जो है वो मैं आपको भी बताऊंगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ये रहता है कि जब आप वहां पे एडमिशन्स लेने जाएंगे, आपके मार्क्स पहले से अच्छे हैं या फिर आपकी फैमिली इतनी कैपेबल नहीं है कि वहां की फीस दे पाए, तो आप उसके लिए उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की। तो जो दोस्तों पहली वेबसाइट है वो है scholarship.gov.in। ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है जहाँ पे जितने भी स्कॉलरशिप 2017-18 के अकॉर्डिंग अपलोड किए गए हैं, स्कीम्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे। जैसे ही आप इंटरफेस खोलेंगे, तो अगर आप न्यू यूजर हैं, पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कॉलम देख के। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आप ये ऑनवर्ड स्कीम्स देख रहे हैं, ये सारे इनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं जिनकी डेट अप्लाई करने की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 31st August 2017, 31st डेट सबकी यहाँ पे मेंशन है, और उनके रिगार्डिंग गाइडलाइंस भी है कि कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं किसी एक का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई बैकग्राउंड जो है इसका, द प्राइम मिनिस्टर न्यू 15th पॉइंट प्रोग्राम है वेलफेयर माइनॉरिटीज के लिए। इनका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य जो है इनका, द स्कॉलरशिप एट अ प्री मैट्रिक लेवल विल इंकरेजिंग पेरेंट्स फ्रॉम द माइनॉरिटीज कम्युनिटीज ऑफ सेंड द स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रन टू द स्कूल्स। उन बच्चों के लिए है जो माइनॉरिटीज में आते हैं, जिनके पेरेंट्स कैपेबल नहीं है पढ़ाने के लिए। स्कोप जो है, द स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड फॉर स्टूडेंट इन इंडिया इन गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स फ्रॉम class 1 to class 10। मीन्स की एज वेल एज प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए है, class 1 से लेके 10 तक। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो देख सकते हैं, स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द प्रीवियस फाइनल एग्जामिनेशन। तो इस बात का ध्यान रखिए, और साथ में जो पेरेंट्स की इनकम है वो 1 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर ईयर। गर्ल्स के लिए है, बहुत सारे यहाँ पे आपको स्कीम्स दे रखी हैं कि क्या क्या मिलेगा। डे स्कूल्स में आपको 500 पर मंथ, बहुत सारी चीज़ आप डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंप्लीफिकेशन वे में लिखा हुआ है। चलिए किसी और का देख लेते हैं। जैसे अब हम टॉप स्कूल्स एजुकेशन की बात देख लेते हैं, इनकी गाइडलाइंस क्या है। सेम वही यहाँ भी लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी द एससी स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड एडमिशंस। सारी यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जो द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंडर में आती हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग आप अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सारे आपको डिटेल्स दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट हैं। एक मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, आपका आधार नंबर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे, बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग आप अपना IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर और पासबुक की फोटोकॉपी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस पे लास्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे है स्टूडेंट चूज योर ऑप्शन, तो आप किस स्टेट से हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे, किस लेवल के हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लासेस, MCM, बैंक नंबर, बैंक नेम, ये सारी चीज़ें आप फिलअप करके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जो बच्चे पुराने हैं वो अप्लाई फॉर रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको मेल के थ्रू या बाय फोन नंबर मैसेज आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो ये था नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसके थ्रू आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज इसके अंडर में आती हैं, जैसे HRD है। मैं आपको HRD के रिगार्डिंग बताऊँ तो चलिए मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इसके अंडर में
नेशनल स्कॉलरशिप है, द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आधार नंबर चाहिए, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, सारी एलिजिबिलिटी है यहाँ पे। आपको एक गाइडलाइंस है, आप इस पर क्लिक करके सारी गाइडलाइंस डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। जैसे द कंट्री 50% द स्कॉलरशिप वुड बी मार्क फॉर द गर्ल्स, एलिजिबिलिटीज़ के बारे में है, रिजर्वेशंस क्या हैं इनके रिगार्डिंग, 3% ऑफ फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ईजी और मुझे लगता है सिर्फ शुरुआत करने की देर है। हमारे पास फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो इन फ़ोन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं उनको। और मैंने पिछले वाले में बताना भूल गया आपको, उसमें भी फ़ोन नंबर है। जैसे आप होम पे आएंगे तो टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम है तो 01200661940 पे आप कॉल कर सकते हैं इनको, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको तो यहाँ से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये HRD का हो गया। यहाँ पे सारे स्कीम्स हैं जिनके रिगार्डिंग कब तक वो जिनके रिगार्डिंग कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, जैसे GP बिरला स्कॉलरशिप, साहू जैन ट्रस्ट स्कॉलरशिप, SHDF स्कॉलरशिप, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि किन बच्चों को यहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है। प्राइवेट और गवर्नमेंट एज वेल दोनों ही ऐसी संस्थाएं हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह, स्कॉलरशिप क्यों लेनी चाहिए या किनको लेनी चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो स्टूडेंट जो कैपेबल नहीं है, जिनमें प्रतिभा है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, गांव में है, रूरल एरियाज में है, अर्बन में आना चाहते हैं, सिटी में आप आगे पढ़ना चाहते हैं, प्रतिभा है आप में और सिर्फ पैसों की कमी की वजह से आप नहीं जा पाते, तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पे आप अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करना बहुत इजी है, आप सिर्फ ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन, आपको कोरियर भी नहीं करना, सिर्फ फोटोकॉपी करनी है, स्कैन करके अपलोड कर देना है और आपको रिस्पॉन्स वहां से आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर आप कोई भी डाउट आपके मन में है, कोई भी क्वेश्चंस है, सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, बट साथ में कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।